साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। बीएचयू में रिजर्वेशन के लिए करेंगे आमरण अनशन, छात्र बोले प्रशासन के साथ ही सेंट्रल ऑफिस में फहराएंगे झंडे। सेना में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, फौजी बताकर जीता भरोसा, 4.31 लाख रुपए कराए थे अपने अकाउंट में ट्रांसफर। गाजियाबाद एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को लगी गोली, पिछली बार कांस्टेबल को गोली मारकर भागा था अमित, इस बार हत्या चढ़ा। मंत्री डॉक्टर बालियान और कपिल देव के साथ दौड़ा मुजफ्फरनगर में, जज्बा 8 दौड़ की झलकी राष्ट्रीय एकता। शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, शव ठिकाने लगाने को रिक्शे पर लेकर जा रहा था, हुआ गिरफ्तार। सुल्तानपुर पुलिस का चला चौबुक, 17 आरोपियों की 10.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, 280 के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई। यमुना में डूबे 6 और शव मिले, बांदा से फतेहपुर बॉर्डर तक बह गए थे शव, एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। औरैया में साइकिल रैली का आयोजन, अफसर और शहर के लोग हुए शामिल, डीएम बोले अमृत महोत्सव को सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी। मैनपुरी में किशोरी के साथ रेप, किसी काम से खेत गई थी, घात लगा के बैठे आरोपी ने झाड़ियों में खींच कर की दरिंदगी। बिजनौर में सड़क हादसा, एक की मौत, 2 बाइकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर, मां और बेटी घायल। मथुरा में गज ग्रह की हुई लड़ाई, वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में हुआ लीला का आयोजन, हजारों के श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने। उन्नाव में गंगा का जलस्तर 111 मीटर पार, नाले के सहारे बस्ती में पहुंचने लगा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। गोरखपुर एसएसपी ने 8 थानेदार बदले, लापरवाह 4 इंस्पेक्टर से छीनी थानेदारी, 2 चौकी इंचार्ज को मिली थानों की जिम्मेदारी। बदायूं में 107 लीटर जहरीली शराब बरामद, 2 तस्कर अरेस्ट, 5 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया, आरोपियों में महिला भी शामिल। बुलंदशहर में अमृत महोत्सव पर डॉक्टरों ने निकाली बाइक रैली, देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में भरा जोश। आगरा के भुजरिया मेले में जमकर लगे ठुमके, बार बालाओं ने फूहा डांस का वीडियो वायरल किया, लोगों ने डांस पर लुटाए रुपए। औरैया में नदी में गिरने से युवक की डूबकर मौत, जल मंजिनी में फंसा मिला शव, पैर फिसलने से नदी में गिरा व्यक्ति। गोंडा प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा, अधिकारियों ने हर घर तिरंगा लगाने का किया आवाहन, पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद। बरेली के शाही में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता के भाई के पहुंचने पर भागा आरोपी, एसएसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। कौशाम्बी में सोने की चेन न मिलने पर विवाहिता को दिया जहर, माई के पक्ष ने लगाए आरोप, 1 महीने पहले हुई थी शादी। फरुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 1 आरोपी को पकड़ा, अन्य की तलाश जारी। देश की सीमा पर दीवार बनाए जाने की मांग, सोनभद्र में पाकिस्तान का विरोध, आतंकवाद का पुतला दहन किया। आतंकी नदीम रात भर फोन पर करता था बात, नूपुर शर्मा को मारने के लिए बना रहा था प्लान, पिता बोले रिश्ता तोड़ दूंगा। 52 सेकंड के लिए थम गया लखनऊ, झंडारोहण रिहर्सल पर सभी चौराहों पर सुबह 9 बजे बजाया गया सायरन। एटा एसएसपी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पुलिस के जवानों ने तिरंगा लेकर किया पैदल मार्च, तिरंगा फहराने के लिए किया प्रेरित। मेरठ मर्डर मिस्ट्री के 3 केस, किसी का सिर अलग तो दूसरी जगह फेंका, तो किसी को 15 टुकड़े में मारा। मिर्जापुर में पुलिस ने निकाला रूट मार्च, एसपी ने बच्चों को किया गुब्बारा दिया, तिरंगा बांटा और साथ ही देशभक्ति की धुन में जाबाज रंगे। फतेहपुर में 3 फीट के प्रधान ने बदली गांव की तस्वीर, बोले मेरा कद मेरी ताकत बन गया, लोग मेरे साथ आए, जल्द इंटर कॉलेज होगा। लखनऊ में क्षेत्रीय वन अधिकारी की गला रेत कर हत्या, पानी बेचने वाले पति ने गला रेत कर दिया प्रॉपर्टी बेचने
बदायूं में दरोगा ने युवक को मारा थप्पड़ से। सिविल लाइन थाने में तैनात है दरोगा जब्बार अली। एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। अलीगढ़ जिला कारागार में भावुक होकर बहनों ने राखियों से सजाई भाइयों की कलाई। भाइयों से मिलकर कुछ बहनों की आंखें हुई नम। और ये आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने के लिए थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने सभी क्षेत्रवासियों से की अपील। बरेली में अंजुमन के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, साथ में रहा पुलिस फोर्स। बुलंदशहर जिला कारागार में मना बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर सभी तैयारियां पहले से की गई थी। अलीगढ़ में बुनेर हाईवे पर बाइक सवार से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर लूट की। अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू। बुलंदशहर में बुजुर्ग महिला ने लगाया पड़ोसी पर मारपीट का आरोप। महिला ने कोतवाली परिसर के बाहर राहगीरों से लगाई मदद की गुहार। फरुखाबाद में रक्षाबंधन पर सैकड़ों की मुंह बोली। बहनों ने पूर्व एमएलसी और उनकी पत्नी को बांधी राखी। मनोज अग्रवाल ने उन्हें उपहार भी दिए। गाजीपुर में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का दावा, यूपी में पुलिस एनकाउंटर तय कस्बे में होता है। गोंडा में आजादी का अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा। प्रशासन अभियान को लेकर कर रही जागरूक। गाजीपुर में हाफ मैराथन की शुरुआत, एसपी ने दौड़ लगाकर की हाफ मैराथन की शुरुआत। पुलिस अधिकारी कर्मचारी और जवान रहे शामिल। गोंडा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। रैली निकालकर देशभक्ति और जोश का माध्यम से तिरंगा लगाए जाने का संदेश दिया। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, कहा 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का बड़ा चेहरा होंगे अखिलेश यादव। गोंडा में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हजारों पुलिस के हाथों में दिखा तिरंगा। रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी ने कहा आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप है। संभल में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। बहनोई के साथ मिलकर विवाहिता का बड़ा आरोप। पुलिस ने नहीं सुनी महिला की फरियाद। शाजापुर जिले जेल में धूमधाम के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। जेल अधीक्षक ने की खास व्यवस्था। सुल्तानपुर में दरोगा का घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आगरा में न्यूरोफिजिशियन के प्रसिद्ध डॉक्टर नरेश शर्मा ने मरीजों को बांटे तिरंगे। मकसद सिर्फ एक, हर घर लगे तिरंगा। शाजापुर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर निगम के अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों को बांधे रक्षा सूत्र। परिजनों को सम्मानित किया गया। अंबेडकर नगर में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर छात्रों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। बुलंदशहर में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस से की हाथापाई। पुलिस से आरोपी को छुड़ाते समय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में लगातार जारी है बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कार्यवाही। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की जमीन की कुर्क। बुलंदशहर में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने किया शुभारंभ। कानपुर के थाना चकेरी के मोती नगर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल। कुशीनगर में युवक ने अपने घर पर फहराया पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान का झंडा देख लोगों में आक्रोश। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले एटीएस की एक और बड़ी सफलता। आतंकी मोहम्मद नदीम को एटीएस ने सहारनपुर जनपद से किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर की लंबी उम्र की कामना। लखनऊ के सरोजनी नगर में छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। सभी छात्राओं ने हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर निकाली पैदल यात्रा। भाई को राखी बांधकर लौट रही बहन की मौत। झांसी में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, भतीजा घायल। शाजापुर में 8 लाख की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी अरेस्ट। पीतल के मूर्ति को सोने की बता रहे थे। एक आरोपी 3 महीने पहले जेल से छूटा था।
जालौन में लाल सिंह चड्ढा का विरोध, विधायक गुड्डू राजपूत बोले लोगों से अपील करेंगे कि वो इस मूवी को ना देखें। उदयपुर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, पिता बोले रात में ट्रेन में बैठाया था, सुबह मौत की खबर मिली। हरदोई पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारे लगाकर भरा जोश, कई मार्गों से होकर गुजरी एसपी की तिरंगा लगाने की अपील। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पत्नी परिवार के साथ गुरुद्वारे में अरदास कर रही, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दे, अब स्वास्थ्य बेहतर। बलरामपुर में इंडो नेपाल फोर्स के बीच बैडमिंटन टूर्नामेंट, नेपाल की टीम जीती, एसपी बोले ऐसे कार्यक्रमों से दोनों देशों के संबंध बढ़ेंगे। उन्नाव में सवारियों से भरी बस खंती में पलटी, 7 लोग घायल, पिकअप को बचाने में हुआ हादसा। आजमगढ़ में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान, डीएम बोले 8 लाख घरों में फहराया जाएगा हर घर तिरंगा। बागपत में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर यमुना नदी में कूदी युवती, तलाश में जुटी पुलिस, जीजा के साथ बाइक से लौट रही थी मुजफ्फरनगर। चित्रकूट में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, घर के बगल में महुआ के पेड़ पर लटका मिला शव, पैंट में था सुसाइड नोट। ट्रक में घुस गया अजगर, सांप ट्रैफिक जाम, वाइल्ड लाइफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर, सांप देखने को जुट गई भी। लखनऊ में बस ट्रेलर की टक्कर में 29 घायल, बिहार से आ रही थी डबल डेकर बस, एक की मौत, सुल्तानपुर रोड पर हुआ हादसा। मलिया के बेलतरा रोड में छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली, शहीदों के नाम लगाए गगनभेदी नारे, हर घर तिरंगा फहराने की अपील। हमीरपुर में दिव्यांगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा शहर, 750 मीटर लंबी तिरंगे से बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश। हापुड़ में कुएं में गिरे 4 युवक, एक की मौत, सही करने के लिए उतरे थे, गैस बनाने के कारण बेहोश हो गए। सोनभद्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, 2 साल से पत्नी से तलाक का चल रहा था मुकदमा, हमला करवाने का आरोप। जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।